अभी हम पहुंच चुके हैं पटना में हनुमान जयंती के शुभ अवसर पे। यहाँ पे देख सकते हैं कि भक्तों का भीड़ लगा है और बहुत ही हुजूम उमड़ा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना भक्त, यहाँ पे हनुमान जयंती के शुभ अवसर पे इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? परशुराम जोत्सव के ऊपर पर सिर्फ परशुराम वंशज जी नहीं, सर्व समाज आज परशुराम भगवान परशुराम जन्मोत्सव मना रहा है। पटना में पूरे बिहार झारखंड से नवयुवकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। एक ही बात कहना चाहेंगे, एक ही नारा एक ही नाम, जय परशुराम जय परशुराम जय परशुराम जय परशुराम का नारा लग रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही भीड़ उमड़ा है। और अभी आशुतोष कुमार जी अभी नहीं दिख रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है। आशुतोष कुमार जी, यह कार रैली आगे बढ़कर बापू सागर बाहर में जाएगी, वहाँ पर एक भीड़ के रूप में बदल जाएगी। आशुतोष जी वहीं पर है, भीड़ को वहाँ पर संबोधन करेंगे। हम लोग युवा इस रैली को आगे बढ़ा रहे हैं, आप देख सकते हैं दूर दूर तक नजर जाएगा, युवा का हुजूम एकदम उमड़ा है। और बाबू सभागार ले आशुतोष कुमार भी इस रैली में जुड़ जाएंगे। इस बार 2019 फिर से दोहराएगा, फिर से पटना में एक नया रिकॉर्ड होगा परशुराम वंशजों का। जय जय परशुराम जय जय परशुराम का नारा लग रहा है, आप सब देख सकते हैं। और इतना आप क्या बोलना चाहेंगे भैया, जय जय परशुराम का नारा इतना लग रहा है जोर शोर से? जय परशुराम, परशुराम जयंती के दिन भगवान परशुराम के भूमिहार ब्रह्मण एकता मंच द्वारा आप सब देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा कार्यक्रम हो रहा है आज परशुराम जयंती के शुभ अवसर पे। और बहुत ही युवाओं का भीड़ लगा है। और आगे यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ परशुराम जयंती के शुभ अवसर पे युवा का इतना भीड़ लगा, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग परशुराम जयंती हरेक भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं भगवान परशुराम। जिस तरीके से भगवान कृष्ण जो कि उनके आठवें अवतार थे, भगवान सातवें अवतार जो कि श्री राम थे, उनका धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जाता है कृष्णाष्टमी और रामनवमी के रूप में, उसी तरीके से हम लोग परशुराम जयंती मना रहे हैं। और हम सरकार से मांग करते हैं कि परशुराम जयंती के अवसर पर सरकारी छुट्टी की घोषणा की जाए। और ये जो जुलूस निकल रहा है, ये केवल जुलूस नहीं, ये समाज की एकता का परिचय भी है और समाज अपना ताकत दिखा रहा है सत्ता में बैठे हुक्मरानों को। और आशुतोष कुमार जी अभी नहीं दिख रहे हैं इस जुलूस में, वो कहाँ से जुड़ेंगे? आशुतोष भैया वुमेन्स कॉलेज के पास से जुड़ जाएंगे, चूँकि बापू यहाँ से हम लोग बापू सभागार पहुँच रहे हैं। वहाँ पे भी बड़ा भव्य आयोजन है, भव्य कार्यक्रम है। वहाँ का सारा बात व्यवस्था हमारे नेताजी आशुतोष कुमार जी के द्वारा देखा जा रहा है। अभी वहाँ से निकल चुके हैं और वो वुमेन्स कॉलेज के आसपास वो इस यात्रा में जुड़ जाएंगे। अभी अभी इन्होंने बताया कि आशुतोष कुमार जी भी वुमेन्स कॉलेज से बाबू सभागार से जुड़ जाएंगे, क्या कहना चाहते हैं आपकी? इतना भीड़ उमड़ा है आज। हम लोग बेगूसराय से चल के आए हैं जी जी, और हमारे हजारों बेगूसराय के जो है ब्रह्म ऋषि समाज के लोग गांधी मैदान में बैठे हुए हैं बापू सभागार के लिए। और हमारे सैकड़ों की टीम जो है यहाँ ये शोभा यात्रा में यहाँ से पंचरूपी मंदिर से निकले है बेगूसराय के। हमारे सभी जो है हमारे आराध्य हैं भगवान परशुराम, और आज उनकी जन्म जयंती है, भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज के राजनीतिक परिवेश में हमारे सवर्णों का, परमिशि समाज का बहुत अपमान हो रहा है। और पूरा सवर्णों को लेकर, पूरा मतलब भूमिहार ब्राह्मण को लेकर आशुतोष कुमार जी सबके मुखिया बने हैं और लेकर चल रहे हैं, इस पे क्या बोलेंगे, कहाँ तक उनका जाएगा ये? देखिए, आशुतोष जी का मिशन है ब्रह्म ऋषि समाज को एक करने का। और वो उनका मिशन बिल्कुल 100% सही है। उनके इस त्याग के लिए हम लोग ब्रह्म ऋषि समाज के जितने भी हैं उनके साथ हैं। जहाँ भी हम लोग नेता उनको मान चुके हैं, चूंकि हमारे समाज को एक करने में जो उनकी अहम मतलब चर्चे में उनको दबाया जाता है, इसलिए वो बिना उठाए और मुखिया बने और आज बहुत ही बड़े लेवल पे अपने पार्टी को लेके जा रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। आपने देखा कि हमारे सवर्णों का नेतृत्व करने वाले ब्रह्मेश्वर मुखिया थे, उनको मरवा दिया गया। उसके बाद से हमारा जो एक संगठन था वो कमजोर पड़ गया, लेकिन अभी आशुतोष जी के आने के बाद इसमें एक जान फूंका गया है और उसको हम आगे ले चलेंगे।
मिशन को आगे हम पूरा करेंगे। आशुतोष जी के आने के बाद कहीं ना कहीं ये पार्टी मतलब बहुत मजबूत हो गई है और सुवर्णों को लेकर उन्होंने बहुत ही हुजूम उमड़ाया और इसमें युवा भी बहुत शामिल होते हैं, इसमें क्या बोलते हैं? देखिए हमने वो कर दिखाया है, ये जनता के सामने है। अभी हाल में MLC का चुनाव हुआ है, MLC के चुनाव में हमने करके दिखाया है कि सवर्णों का अपमान करने वाली जो भाजपा है उसको मुंह की खानी पड़ी है। उसके सच्चिदानंद बाबू को उसने पार्टी से निकाल दिया और सच्चिदानंद बाबू जीत कर भी जो आशुतोष कुमार जी थे ये मतलब लालू जी के बेटे तेजस्वी लाल का हमेशा से विरोध करते थे, लेकिन अभी वो तेजस्वी और ये आशुतोष कुमार जी दोनों लोग आपस में मिल गए, इसमें क्या बोलना? देखिए हम विकल्प बन के चल रहे हैं, समझ गए, हम किसी के खमसामा बन, आज तक जो कोई वोट बैंक में सवर्णों का अपना वोट बैंक समझता था हम उस पर नहीं चलेंगे। जो हमारे हक की बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे। तेजस्वी जी ने ऐसा कहा है, भरी जनसभा में कहा है और उसका परिणाम आपको बोझा चुनाव में आपने देख लिया। आशुतोष जी खुद कैंपिंग किए थे और नतीजा हम लोग 36,000 से अमर कुमार पासवान को जिताए हैं। इनका मतलब है कि जो भी हमारे हक का बात करेगा हमारे साथ रहेगा, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो हम लोग उनके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। आशुतोष जी भी उनके साथ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब सवर्ण ब्राह्मण भूमिहारों ने ये निश्चय कर लिया है कि जो भी राजनीतिक दल हक की बात करेगा, हमारे विकास की बात करेगा, उनके साथ हम रहेंगे, हम तन मन धन से रहेंगे। ठीक है, इन्होंने सुना आप लोगों ने कि इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बोली और आप सब देख सकते हैं कि बहुत ही बड़े लेवल पे हो रहा है, बहुत बड़ा भीड़ लगा है, आप सब देख सकते हैं युवा भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।